वेलकम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फ्रूट डिलाइट की आसान, मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। फ्रूट डिलाइट में मैं यूज़ करूँगी एक फुल पैक ऑफ क्रीम, पाइनएप्पल स्लाइसेस इन हैवी सिरप, शुगर, मैंगो, मैक्रोनीस, इसे मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, बनाना और एक फ्रूट कॉकटेल का मीडियम साइज का फुल कैन। चले हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। बाउल में क्रीम डालेंगे, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करते हुए अब हम इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून पाइनएप्पल सिरप डालेंगे। इससे आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। हमने ड्यूरिंग मिक्सिंग इसलिए इसमें सिरप डाला था ताकि इसके अंदर शुगर के कोई भी ग्रैन्यूल्स बाकी ना रहें। अब हम इसमें अपने फ्रूट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मैंगोस, जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया था। अब हम इसमें डालेंगे बनानास, इसे हमने स्लाइसेस में पहले ही काट के रख लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैक्रोनीज, इसे हमने पहले ही बॉइल करके रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट कॉकटेल का 1 मीडियम साइज का जार। अब हम अपना सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट डालने लगे हैं, पाइनएप्पल के फ्यू चंक्स। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपकी आसान और मजेदार सी फ्रूट डिलाइट की रेसिपी रेडी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपकी आसान और मजेदार सी फ्रूट डिलाइट की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको फ्रिज में ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब आपने इसको सर्व करना है। मज़ेदार सी फ्रूट डिलाइट की रेसिपी रेडी है। अब हम इसकी गार्निशिंग ड्राई फ्रूट्स और कुछ बेरीज से करने लगे हैं। हमारी डिलाइट रेडी हो चुका है। आप इसे फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा करके खाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।